नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, एक फार्मर भाई ने कमेंट किया कि उनके यहाँ पे सुबह 3 घंटे लाइट का कटाव रहता है 7 से 10, और शाम को जो है 2 से 5 3 घंटे लाइन का कटाव रहता है। कुल मिला के 24 घंटे में से 6 घंटे लाइन का कटाव रहता है। तो दोस्तों, उस कंडीशन में क्या इसी पोल्ट्री फार्मिंग संभव है, हम उसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी पोल्ट्री फार्मिंग में लाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। कि अगर मान लीजिए 10-15 मिनट के लिए अगर पंखे अगर बंद हो गए गर्मी के समय में, और बड़े बच्चों में, छोटे बच्चों में इतनी समस्या नहीं आती, बल्कि छोटे बच्चों में 15 दिन तक इतनी समस्या आती ही नहीं। कि अगर मान लो 1 घंटा भी अगर लाइन अगर बंद रहे तो बच्चे थोड़े से स्ट्रेस में आएंगे, किंतु मोर्टलिटी हो या नुकसान हो ये समस्या जो है नहीं आती। किंतु दोस्तों, जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तब जो है हमें विशेष ध्यान देना होता है, और उस कंडीशन में लाइन का इंटरप्शन 10 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, इस उसमें हमें नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, हम इस बात के ऊपर ही चर्चा करेंगे कि क्या 16 से 18 घंटे लाइन में इसी पोल्ट्री फार्मिंग संभव है, तो और अगर संभव है तो उसमें कितना खर्चा लगेगा और क्या वो इकोनॉमिक रहेगा। संभव तो हम जो है 24 घंटे जनरेटर चला के हम संभव बना सकते हैं, संभव इसमें है, किंतु क्या इकोनॉमिक संभव है। दोस्तों, इसी पोल्ट्री फार्मिंग तभी सफल है और तभी सफल मानी जाएगी जब हम उस फार्मिंग को इकोनॉमिक फार्मिंग कर रहे हैं। हम जो है यहाँ पे डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, और गर्मी के समय में जो होने वाली मोर्टलिटी और बढ़ने वाला FCR और जो बच्चों का साइज कम रह जाता है, इन चीज़ों को कम करने के लिए हम इसी फार्मिंग कर रहे हैं। हम कुल मिला के हम एक जो है हमारा प्रोडक्शन जो कम हो जाता था गर्मी के समय में या बरसात के समय में, या यूनिफॉर्म हम रिजल्ट नहीं ले पा रहे थे, उस रिजल्ट को हम सुधारने के लिए हम इसी फार्मिंग कर रहे हैं। अब इसी फार्मिंग अगर मान ली हम कर रहे हैं, तो उसमें भी हम फायदा है हमें चाहिए। फायदा तभी हो पाएगा जब हम उसको इकोनॉमिक तरीके से करेंगे। अब इकोनॉमिक तरीके से तभी हो पाएगा जब वहाँ पे हम जो है जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हमें इसी पोल्ट्री फार्मिंग में इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अगर ले रहे हैं या सोलर सिस्टम से ले रहे हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिक रहेगा, किंतु अगर हम वो डीजल से अगर लेंगे या जनरेटर से अगर लेंगे तो उस कंडीशन में हमारे लिए इकोनॉमिक नहीं रहेगा। अब हम ये चर्चा करेंगे कि क्या इसी पोल्ट्री फार्मिंग 6 घंटे की लाइन गैप में क्या संभव है। तो दोस्तों, हम पहले बात करेंगे 16 से 18 घंटे वहाँ पे लाइन अवेलेबल रहती है। तो दोस्तों, मॉर्निंग के समय में 7 से 10 तक 3 घंटे लाइन बंद रहती है, और इवनिंग में 2 से 5 बजे तक 3 घंटे जो है लाइन बंद रहती है। टोटल 6 घंटे का लाइन का इंटरप्शन हुआ। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमारा जो बेच जो रहता है वो मैक्सिमम 40 दिन का रहता है। अब 40 दिन में आप जो है 15 दिन जो है बिना जनरेटर या बिना लाइन के आप निकाल सकते हैं। अभी देखिए, आज 11वां दिन है, 11 दिन में दिन हमने पर्दे ऊपर कर रखेंगे, इसका खैर अभी हम रात में नीचे कर देंगे, किंतु दोस्तों लाइन का जो अभी देख सकते हैं, अभी हम कम से कम 5 दिन और आराम से निकाल सकते हैं। मतलब कुल मिला के अगर हम चाहें बरसात, ये जो कंडीशन है ये बरसात और ठंड के दिनों के लिए है। अगर हम गर्मी के दिनों में अगर ये देखेंगे तो गर्मी के दिनों में सुबह 8 बजे ही गर्मी इतनी तेज पड़ने लग जाती है कि बच्चों को सुबह 8 बजे से ही एग्जॉस्ट फैन कूलिंग पर चालू हो जाते हैं। उस कंडीशन में ये जो है अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ये मैं आप पहले ही क्लियर कर दूँ, ये बरसात और अभी का जो मौसम देखेंगे तो करीब 10 बजे तक भी टेम्परेचर 22-23 डिग्री के आसपास रहता है। या मौसम अगर और मानसून